हेलो दोस्तों दिल की गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारी जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम भेजता रहूँगा मैं पिछले तीन चार दिनों से बार बार वीडियो बना रहा हूँ बार बार वीडियो बना रहा हूँ अभी अभी खबर आई है अदानी का धमाका यहाँ देख सकते हो इसराइल बिग पार्टनरशिप अदानी रिटर्न मैंने आपको कई बार मैंने मतलब मतलब दो तीन दिन से मैं केवल यही वीडियो आपको बना बना कर बता रहा हूँ यहाँ पर ठीक है अब ये देखिएगा दो तीन वीडियो आप मैं आपको बोलूँगा आप चैनल पर जाइए चैनल पर जाने के बाद आप वीडियोज़ में जाइए वीडियो देखिए एक दिन पहले जो वीडियो अपलोड मारा जाके देखिए प्ले करके देखिए दूसरा वाला भी आप प्ले करके देखिए और तीसरा वाला भी आप प्ले करके देखिए आप सोच रहे हो कि भाई मैं प्रमोट कर रहा हूँ आपको मजबूर कर रहा हूँ देखने के लिए नहीं 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 मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ प्रूफ बात समझ मारी नहीं मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ आपको पिछले तीन दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ अदानी का शेयर अदानी का शेयर अदानी का शेयर और आज देखो अदानी का शेयर में क्या हुआ देख लीजिए देख लीजिए आठ दस परसेंट की तेज़ी देखने को मिली और पिछले पाँच दिनों में जब स्टॉक यहाँ पर गिरा तो भाई उसके बाद ट्वेंटी एट परसेंट की तेज़ी देखने को मिली तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई अदानी पोर्ट के बारे में मैंने इतने अच्छे 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 लोगों को एग्जांपल दे के समझाया कि अदानी पोर्ट ने इसराइल के साथ पार्टनरशिप किया है अदानी को अदानी ने जो है चाइना को मजा चिखाया है समझने की कोशिश समझने की कोशिश कीजिए अदानी ग्रुप का अदानी पोर्ट इतना ताकतवर स्टॉक है कि गिराना एकदम नामुमकिन सा है भाई शेयर का प्राइस तो आप गिरा सकती हो लेकिन इनके जो असेट के जो वैल्यू है उसको कौन गिरा सकता है कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं गिरा सकता और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ अभी भी ये स्टॉक अच्छा है और जितनी गिरावट में आपको देखने को मिल रहा है ना आप सोच लीजिए जिस प्राइस पे ये मतलब जीवन भर चलता था उसी प्राइस पे आपको आपको मिला है यहाँ पर इससे बड़ा मौका किसको कहाँ मिलता है भाई अदानी ने अपना एक एक कदम फूक फूक के चलना स्टार्ट भी कर दिया है अदानी जो है पहले ही पेमेंट कर देगा सात आठ हज़ार करोड़ का जो लोन अगले साल करने थे 2024 2025 में जो पेमेंट करना था अदानी आजकल में ही ये पेमेंट जो है निपटा देगा अदानी ने पहले बोल दिया हालांकि मैं आपको बोलूँगा बैंक ऑफ बड़ोडा ने सीधा सीधा बोल रखा है आर को अगर अदानी ग्रुप को लोन की ज़रूरत है तो मैं और दूँगा मैं और पैसा दूंगा लोग गला फाड़ फाड़ के आप लोगों तक गंदी खबर फैला रहे हैं कि अदानी ने सबका पैसा ले रखा है डूब जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई अदानी कल की डेट में डूब गया ना तो भी मैं अदानी को महान ही बोलूँगा और आज अगर अदानी ग्रुप अगर ऊपर चला जाता है तो भी मैं अदानी को महान ही बोलूँगा क्योंकि अदानी के शेयर जब पचास पचास रुपये में अस्सी रुपये में जब चल रहे थे ना तो सारे स्टॉक्स मैंने खरीदे थे और सब लोगों को बोला था खरीदने के लिए सब लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया और ये जो पचास रुपये में अस्सी रुपये में स्टॉक मिल रहे हैं आज के डेट में चार चार हज़ार रुपये में चले गए हैं इतना प्रॉफिट देखने को मिला है और हज आदानी को मतलब एक छोटी सी खबर कहीं से आ जाती है बाहर से तो हम इसको गंदा बोल देंगे ख़राब बोल देंगे अरे भाई यही वही अदानी है जो डेढ़ सौ का शेयर एक लाख रुपये में बदल दिया कौन सा ऐसा अदानी का शेयर है जो डेढ़ सौ का शेयर एक लाख में बदल गया लोगों को पता नहीं है लोगों को तो केवल यही पता है कि अदानी ने ये किया वो क्या प्रूफ है आपके पास अगर आपके पास प्रूफ है तो आप जाओ कोर्ट में क्या हुआ किसी ने बोल दिया बस मजे ले रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा ऐसा मत कीजिए इंसान जो है फूक फूक के कदम लेना स्टार्ट कर दिया है ये पहले ही पेमेंट कर दे रहा है बैंकों को समझ में आ रहा है हालांकि बैंकों ने नहीं बोला कि मैं भाई मुझे पेमेंट चाहिए करके क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट खाना है बैंकों ने नहीं बोला और बैंकों ने आर को बोला कि भाई हम सेफ हैं तुम अपना काम करो हम अपना काम कर रहे हैं ठीक है आर सभी बैंकों को संभालता है लेकिन बैंकों ने बोला कि भाई सब कुछ ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है और इनके जितने भी शेयर प्लेज है वो शेयर प्लेज जो है ना वो छुड़ा लेंगे बहुत सारे कंपनियों के पास शेयर इनका प्लेज है ना सपोज मान लेते हैं कि Uh, मान लेते हैं कि इनके पास जो है सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट शेयर इनके पास है और पंद्रह परसेंट शेयर मान लेते हैं इनके प्लेज है तो ये क्या करेंगे जो प्लेज शेयर है ना ये छुड़ा के खुद ही ले लेंगे तो इनके पास हो जाएगा सेवेंटी फाइव परसेंट तो ये जो प्लेज छुड़ाने जा रहे हैं ना भाई तो प्लेज अगर छुड़ाएंगे तो ये शेयर कौन खरीदेगा तो हम अदानी तो खरीदेगा ना मतलब ये अपनी ऑनरशिप भी तो बढ़ा रहे हैं ना अगर शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है प्लेज छुड़ाने के बाद तो तो इनको नुकसान होगा अगर मान लेते हैं कि इसने इस इंसान इस ने प्लेज नहीं छुड़ाया पंद्रह परसेंट बैंकों के पास ही है तो अगर बैंकों के पास अगर बैंकों को नुकसान होता है हो, तो बैंक क्या करेंगे कि खुले बाज़ार में बेच देगा तो किसको बेचेगा अदानी को बेचेगा नहीं पब्लिक को बेचेगा लेकिन यहाँ खरीदने वाला कौन खड़ा है अदानी खड़ा है भाई पूरी तरीके से तो मैं आप बोलूँगा समझिए ये हमारे लिए अच्छी खबर है कभी भी मैं आप बोलूँ जिस तरीके से आज अदानी पोर्ट भागा है कल के डेट में अदानी इंटरप्राइज भी भागने वाला है देख लो अदानी इंटरप्राइज के लिए भी फेयर वैल्यू यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दिया गया है कि भाई नौ सौ चालीस पचास रुपये का इसका फेयर वैल्यू है इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा रहेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन ये भी एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा मिल रहा है तो अदानी इंटरप्राइज भी अगर आप देखोगे तो गिर रहा गिर रहा ठीक है जिस तरीके से गिरावट हो रही है वो तो दुनिया को पता ही है लेकिन दूसरी बारी अदानी इंटरप्राइज़ की है ये मान लेते हैं कि नौ सौ से लेकर बारह सौ रुपये के बाजू में ये आ सकता है बस उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा तो याद रखिएगा कि जितने लोगों को नुकसान हुआ है ये एक लेवल है जिसके बाद अदानी में आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला ये एक ऐसा लेवल है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस लेवल को अपने दिमाग में ढुका लें आपका पैसा भी रिकवर हो जाएगा आपको एवरेज कहाँ करना है वो भी आपको मैंने आपको बता दिया ये एक प्राइस है कोई नहीं बताएगा मार्केट में कोई का मतलब कोई नहीं बताएगा बस यही खबरों के दम पर उछलेंगे लोग मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर अभी देखो कुछ एक इंसान ऐसा है जो अभी एक घंटे बाद पहले वीडियो डालता बोलता है कि भाई फोर्टी परसेंट और शेयर क्रैश होगा कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्रैश होने तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भाई तीन घंटे पहले यहाँ पर देखो तीन घंटे के पहले यहाँ पर तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा था हाँ ब्रह्मास्त्र चल रहा था भाई तो दो तीन घंटे में ही मतलब खेल होता आप यार दो तीन घंटे में इसके मतलब देखो किस तरीके से मतलब आ, मैं आपको बोलूँगा कि मतलब रंग बदल दिया जा रहा है यहाँ पर तो प्रॉब्लम अदानी से नहीं है मैं आपको बोलूँगा प्रॉब्लम अदानी से नहीं है प्रॉब्लम उन लोगों से है जो गलत तरीके से खबर दिखा रहे हैं शेयर होल्डर्स को आम जनता को मैं आपको बता देना चाहता हूँ अदानी का शेयर कल के डेट में भागा ना तो ऐसे लोग ही वीडियो बनाकर बताएंगे कि भाई अदानी का शेयर ने कमाल कर दिया ऐसे लोग वीडियो बनाकर बताएंगे और जब गिर जाएगा तो गंदी खबर फैलाएंगे अरे भाई एक रास्ते में लेकर चलो ना गिर गया कुछ अच्छी कुछ अच्छे स्टॉक भी हो जाते हैं टेम्प्रेरी गिर जाते हैं तो क्या वो बर्बाद हो गया क्या डॉक्टर रेड्डी तो गिर चुका था कि वो फालतूस कंपनी के लंबे समय में दौड़ेगा तो इस तरीके से मैं आपको बोलूँगा कि किस तरीके से खबर आती है यहाँ पर देख लीजिए क्या अदानी के शेयर खरीदने चाहिए क्या अदानी के शेयर खरीदे देखो कल तक ये खबर आ रही थी और मतलब मतलब मैं आपको बोलूँगा कि क्या क्या मतलब मिनटों मिनटों यहाँ पर चीज़ें बदलती रहती है मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं बस आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ यहाँ पर वीडियो प्ले करूँगा तो वही चीज़ बताया जाता है उसके अंदर भी बाकी आपकी मर्जी है समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है और दो रास्ता बता के शेयर जब नीचे चला जाएगा तो बोला जाएगा कि मैंने बोला था ना नीचे चला जाएगा जब ऊपर चला गया तो लोग बोलेंगे कि मैंने बोला था ना ऊपर चला गया भाई दोनों तरफ से तो तुम ही मजे ले रहे हो एक रास्ता बताओ जैसे तीन दिन उसमें वीडियो बना के दिखा रहा हूँ चैनल पर जाके देख लो अदानी के पोर्ट के बारे में कितना पंद्रह पंद्रह मिनट का बारह बारह मिनट का मैं आपको लेक्चर दे दे के समझा रहा हूँ जाके देखो चैनल पर खड़ा है मैंने बोला क्या कि गिरे क्या क्या अदानी के पोर्ट मैंने आपको बताया ना अदानी ग्रुप के ये स्टॉक प्रॉफिट देंगे और देखो आज भागना भी स्टार्ट कर दिया चीज़ें यही है टाइम लगता है लेकिन मैं आपको सही रास्ता दिखा रहा हूँ कल परसों मे भी ये बोल सकता ना गिर रहा गिर रहा गिर रहा करके वीडियो जाकर देख लो इस चैनल पर अवेलेबल है बाकी आपकी मर्जी और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं तो डिमिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपना डिमिट अकाउंट अगर आपको चाहिए तो एंजल में जो कि डिमिट अकाउंट फ्री रहेगा डिलीवरी चार्जेस फ्री रहेगा केवल ट्वेंटी रुपीज लगेगा वो भी इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया मिनटों में जाकर अपना डिमिट अकाउंट वगैरह फ्री में ओपन कर सकते हैं